तो दोस्तों आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का अजमे ब्लॉकबस्टर मुकाबला पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला देखने को मिला। तो आज का ये मैच पूरी तरह से खत्म होते हमें आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के पॉइंट टेबल में बहुत ही बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजिशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना अंक है, ये सभी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहें। तो आप भी वर्ल्ड कप के बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप वर्ल्ड कप से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो में बढ़ते आगे, आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का 22वां मुकाबला में पाकिस्तान बनाम अफगानिस्तान के बीच ये मुकाबला खेला गया था। ये मुकाबला में चेन्नई के चेकऑफ स्टेडियम पर खेला गया था। इस मुकाबले में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी शानदार स्कोर बनाए। तो ऐसे में इस मुकाबले के खत्म होते हमें पॉइंट टेबल में काफी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के नए पॉइंट टेबल के हिसाब से पॉइंट टेबल पे जो 10वें पोजीशन पर है वह इंग्लैंड। इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। पर इंग्लैंड को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 मुकाबले में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वह इंग्लैंड का अगला मुकाबला 26 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 9वें पोजीशन पर है वह श्रीलंका। श्रीलंका ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। और श्रीलंका को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। और श्रीलंका का अगला मुकाबला 26 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है वह नेदरलैंड। नेदरलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट सेल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। वही नेदरलैंड को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही नेदरलैंड का अगला मुकाबला 25 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है वह बांग्लादेश। बांग्लादेश ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें एक मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। वही बांग्लादेश को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 में से 5 मुकाबला जीतना जरूरी। यह बांग्लादेश का अगला मुकाबला 24 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पर जो 6वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला जीतने वाली टीम अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। वे अफगानिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 4 में से 4 मुकाबला जीतना जरूरी। वे अफगानिस्तान का अगला मुकाबला 30 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है आज का मुकाबला हारने वाली टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 4 में से 4 मुकाबला जीतना जरूरी। और पाकिस्तान का अगला मुकाबला 27 अक्टूबर को साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 4थे पोजीशन पर है वही ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 2 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रन रेट प्लस में काफी शानदार देखने को मिला है।
ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 में से कम 4 मुकाबला जीतना जरूरी। ऑस्ट्रेलिया का अगला मुकाबला 25 अक्टूबर को नेदरलैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है वह साउथ अफ्रीका ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 3 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट रन प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 5 मुकाबले में से कम 3 मुकाबला जीतना जरूरी। साउथ अफ्रीका का अगला मुकाबला 24 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए नजर आई। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है वह न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से उन्हें 4 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट रन प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 4 मुकाबले में से कम 2 मुकाबला जीतना जरूरी। वही न्यूजीलैंड का अगला मुकाबला 28 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है वह इंडिया। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2023 में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, 5 मुकाबले में जीत मिली। पॉइंट उनके पास 10 पॉइंट है। उनका नेट रन प्लस में काफी शानदार देखने को मिल रहा है। कोई इंडिया को सेमीफाइनल पहुंचने के लिए अपना बचा हुआ 4 मुकाबले से कम 1 मुकाबला जीतना जरूरी। वही इंडिया का अगला मुकाबला 29 अक्टूबर को इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। ये थी आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का आज का नया पॉइंट टेबल। वही आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकती है क्या नहीं, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। कोई आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।